मसूरी एमपीजी कॉलेज में छात्रों ने छात्र नेता जसपाल गुसाई और कमल शाह के नेतृत्व में एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने कुलपति के पुतले को आग के हवाले किया। छात्रों ने कुलपति पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की ओर से बीए चौथे सेमेस्टर और एमए व एमकॉम के प्रथम सेमेस्टर के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, जिस कारण छात्रों को प्रवेश लेने में खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा एमएचआरडी का पत्र लिखकर अशासकीय कॉलेज को विश्वविद्यालय से हटाने की मांग की है, जिस कारण विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर के स्नातक और उत्तर स्नातक के परीक्षा फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। छात्रों ने कहा कि 26 अक्टूबर प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है, ऐसे में परिणाम न आने के कारण छात्र प्रवेश कैसे ले। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति से प्रवेश की तिथि बढ़ाकर जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते परिणाम घोषित नहीं किए गए तो वो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। जो अभी तक बीए जो 2016 वाला बैच है उसका फोर्थ सेम का भी रिजल्ट नहीं आया है, कहीं ना कहीं उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जब तक उनका फोर्थ सेम का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ना उनका फिफ्थ सेम में एडमिशन दिया जाएगा उन्हें। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म की जो निर्धारित डेट आज 25 अक्टूबर है, हमारी जो ज्ञापन में मांग है उसमें हमने 15 दिन बढ़ाने की मांग की है, डेट बढ़ाने की मांग की है। कहीं ना कहीं मतलब जो फोर्थ सेम है और जो प्रथम सेमेस्टर बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए और एम कॉम का है उसमें भी अभी तक वेबसाइट में उनका कोर्स कोड नहीं खुल रहा है ना कॉलेज का नाम खुल रहा है। यूनिवर्सिटी ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके लिए एनएसयूआई छात्र संगठन और यहाँ के सभी जौनपुर ग्रुप एबीपी सब सारे संगठन इसका बहुत विरोध करता है। जो हमारा 16 वाला बेंच है, हम जो बीए फोर्थ सेम के अभी बच्चों का रिजल्ट नहीं आया जिसके लिए वो फिफ्थ सेम में अभी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, और हमारे यहाँ आज 25 तारीख उसकी डेट एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, जिसके लिए बच्चों का भी महाविद्यालय में अभी प्रवेश भी नहीं हुआ, वो कैसे अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। हमारे यहाँ कम से कम 80% बच्चे ऐसे हैं अभी जिनका अभी वो फिफ्थ सेम में अभी एडमिशन नहीं हुआ, तो इसके लिए बच्चों को बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तो सरासर खिलवाड़ है छात्रों के इसमें, और मैं तो ये कहूँगा कि जिम्मेदार पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सके। हमें मीडिया की खबरों से पता चला है कि यूनिवर्सिटी ने एमएचआरडी को अशासकीय महाविद्यालयों को डी एफिलिएट करने का लेटर भेजा है, जिसके कारण वो प्रथम सेमिस्टर के बच्चों के चाहे वो स्नातक स्तर के हों चाहे स्नातकोत्तर स्तर के हों उनके परीक्षा फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट।